नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार सर्वप्रथम पूरे प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज बाड़मेर में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कृष्ण कुमार विश्नोई राज्य मंत्री एवं गुड़ामालानी विधायक और शहीदों के परिवार वालों से वीरांगनाओं से बातचीत भी की। तो साथियों, पूरा वीडियो देखें और आगे ऐसी न्यूज के लिए जुड़े रहे आप मेरे साथ। मैं आपका साथी जीवन कुमार। आपसे भी शहीदों और जो ऑन ड्यूटी हुए थे उनका डिटेल सर थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से नहीं आ रहा है, थोड़ा पीछे हो। क्या कमी रही उनकी ऑन ड्यूटी में, उन्होंने किस तरह की बोले की थी, क्या चीज बोली भी तो ही हुआ। अशोक चक्र देने अवार्ड की बात हुई थी और अभी क्या प्रक्रिया रहती है, ताकि आइडिया लगेगा उसको फॉलो अप भी करेंगे। जब आप पूछते हैं तो बोल देते हैं कि इसका और उसका सेम बेनिफिट है, हमें बेनिफिट से मतलब नहीं, जिस तरह से उनका बलिदान उन्होंने दिया है उनका हक उनको उनका कई धर्माराम थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ, इनकी फाइल एक साल डेढ़ साल हो गया घूम रही है सैनिक कल्याण विभाग, सैनिक बोर्ड में तो आते ही भिजवा दी। अभी जिला कलेक्टर से फाइल गई है, दो महीने संभाग में पड़ी हुई है, वो प्रोसेस जब रेट ज्योति घाटो एक अपने कि पूरा मेरे को नोट चाहिए आप बिल्कुल पूरा नोट हमारे संगठन जिनके जो समस्या नोट दिएगा ना, मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें काम देखो। राष्ट्रपति जो हम पाए वो के हैं नायक सेराराम जी। मेरा नाम रुकमण है, मैं बांड गांव से शहीद सांगलाराम की पत्नी हूँ और मुझे सरकार से यही कहना है कि भाई हमें उस टाइम जो अवार्ड मिलता है शहीद को अशोक चक्र देने की बात हुई थी, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति पदक पुलिस पदक मिला है वो बड़े गर्व की बात है, लेकिन कहाँ उनकी कमी रह गई थी या उन्होंने जिस तरह से जिस हालातों में अपना बलिदान दिया है, अपनी ड्यूटी करी है, उसका उनको जो मिलना चाहिए था वो बात होके भी दोबारा ऐसे होते हैं, तो हमें सरकार से यही पूछना है कि भाई उनको जो अशोक चक्र मिलना चाहिए था। तो अब ये मंत्री जी ने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि वो प्रक्रिया रद्द करके आपकी तसल्ली दूंगा।